बुलेटिन का आगाज करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं, इस वेले 108 एंबूलेंस चालकों की हड़ताल लगातार जारी है। दस दें कि हड़ताल विचाले पंजाब सरकार के नाल पर अज अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसते कि हुण सब दियां नजरां टिकियां ने। तो पंजाब 108 एंबूलेंस चालकों की हड़ताल अपनी मंगों लेके लगातार जारी है, जिस नाल जो एमरजेंसी सेवावान ने वो प्रभावित हो रही ने। एंबूलेंस की जिन्होंने सेवा लैनी होंगी उन्होंने मुश्किल पेश आ रही है, और इस विचकार हुण सरकार के नुमाइंदे के नाल मीटिंग है। एंबूलेंस यूनियन के नुमाइंदे सरकार वालों गठित जो कमेटी है उस नाल गलबात करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब चंडीगढ़ के पंजाब भवन के विच बैठक होगी। दस दें कि तनखाह च वाधे अते रेगुलर करन की मांग की जा रही है। मीटिंग में सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस तो पहला सेहत मंत्री के तिखे तेवर भी दिखाई देते, जिस विच उन्होंने साफ किया कि यह बिल्कुल गैर संविधानिक है, जो मंगा कीतियां जा रही ने ते कोई भी मंगा नहीं मनिया जा सकती। लेकिन लगातार जो ये हड़ताल जारी है उसको लेके सरकार नू भी जड़ा है उत्ते दबाव लगातार बन रहा है। आज जो कमेटी गठित की गई है सरकार वालों, उस नाल इन चालकों की मीटिंग है। एंबूलेंस यूनियन के नुमाइंदे सरकार वालों गठित कमेटी गलबात करेंगे। 12 बजे करीब जी है मीटिंग होनी है चंडीगढ़ के पंजाब भवन में। तो वेखना अहम होएगा ये जी अज की मीटिंग है, इस विच की कुछ नतीजा निकलता है, कोई सहमति बनती है ते ए हुण जिहड़ी हड़ताल खत्म होंदी आ, इसे तरह दे नाल ए हड़ताल जारी रहेगी, ये देखना अहम रहेगा। हालांकि इस मौके पर मीटिंग में सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। मानयोग SDO साहब, मानयोग तहसीलदार साहब ने पंजाब सरकार का सुनेहा लाया भी मानयोग मुख्यमंत्री ने चार मैंबरी एक सिट तैयार की है, जो कि 108 एंबूलेंस मुलाजमान दियाँ मुश्किल सुन के उन्हों का हल करेगी। कल दोपहर 2:30 बजे तक का सानू समा दिता गया चंडीगढ़ विधानसभा मीटिंग का, तो मीटिंग तक जी पंजाब की एंबूलेंस सेवा इस तरह ठप रहेगी। धरना प्रदर्शन शांतमई ढंग के नाल जारी रहेगा। जेकर मीटिंग दे विच कोई हल नहीं निकलता, मीटिंग साड़ी बेसिटा रही, तो साड़ी कोर कमेटी अगली मीटिंग करके संघर्ष में तिखा करेगी।